हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। तो नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि की पूजा सामग्री में हमें क्या क्या सामग्री लेना है वही इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर पहले से हम सभी सामग्री देख लेंगे तो हमें लास्ट में पूजा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपके साथ वह सारी सामग्री शेयर करूँगी जो हमें पूजा के लिए चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि की जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अभी पूजा सामग्री, पूजा विधि, नवरात्रि में जौ कैसे उगाएं और अखंड बाती को कैसे जलाना है, सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चौकी लेनी है। तो यहाँ मैंने एक चौकी ले ली है, ये मेरे पास बड़ी चौकी है, हर साल मैं इसी पर पूजा करती हूँ। और अगर आपके पास छोटी है तो आप छोटी ले सकती हैं। और देखिए, माता रानी का कलर जो होता है वो लाल होता है, तो हमें लाल कलर का कपड़ा लेना है। अब माता रानी का विग्रह है या फोटो है या कुछ भी है आपके पास, आपको वो लेनी है। यहाँ मेरे पास माता रानी का यह विग्रह है, तो मैं हर साल इसी से पूजा करती हूँ। और देखिए, आपको नया विग्रह नहीं लेना है ना नई तस्वीर लेनी है। अगर पुरानी है तो आप पुरानी से आराम से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जब नवरात्रि में माता रानी की स्थापना करती हैं तो वहीं हम गणेश जी की भी स्थापना करते हैं, तो हमें घर के गणेश जी लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने माता रानी के साथ गणेश जी का भी विग्रह ले लिया है। मेरे पास ये छोटे से गणेश जी हैं, आपके पास छोटे बड़े जैसे भी हैं आप वो पूजा में ले सकती हैं। तो देखिए, नवरात्रि में जौ उगाई जाती हैं। तो देखिए, किसी के यहाँ जौ उगाई जाती हैं, किसी के यहाँ गेहूँ उगाए जाते हैं। तो मैंने जौ के लिए ये कटोरा लिया है, और आपको भी इस तरीके का लेना है, छोटा बड़ा वो आप अपने हिसाब से देख सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने मिट्टी ले ली है। देखिए, ये मिट्टी मैंने ली है जौ उगाने के लिए। अभी इस मिट्टी को मैं साफ़ करूँगी, जौ की वीडियो में डालूँगी किस तरीके से उगाने हैं, आप वहाँ भी दे सकती हैं। लेकिन हमें मिट्टी इस तरीके से लेनी है जौ उगाने के लिए। अब देखिए, हमारे यहाँ जौ उगाती हैं तो मैंने यहाँ जौ ले ली है। अगर गेहूँ उगाती हैं तो आप गेहूँ ले सकती हैं। तो हमें जो भी चीज़ उगाई जाती है हमें वो लेनी है। तो हमारे यहाँ जौ उगाई जाती हैं, इसलिए मैं आपको जौ दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए, तो देखिए, आप पीतल का लोटा ले सकती हैं, मिट्टी का कलश ले सकती हैं। मिट्टी बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, तो यहाँ मैंने मिट्टी का कलश लिया है। तो छोटा बड़ा वो भी आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। अब इस पर ढकने के लिए एक पात्र हमें चाहिएगा, तो यहाँ हम मिट्टी का एक पात्र ले लेंगे। अब देखिए, ये कलश स्थापना करने के लिए पाँच चीज़ चाहिए, फूल, सिक्का, हल्दी की गांठ और लौंग का जोड़ा, एक सुपारी। तो यहाँ पर मैंने पाँच चीज़ ले ली हैं। ये पांच चीज़ आपको पहले से ही तैयार करनी है कलश की स्थापना के लिए। तो ये मैंने अशोका के पत्ते ले लिए हैं। कलश की स्थापना करती हैं तो पंच पल्लव चाहिए होते हैं, तो आप आम के भी ले सकती हैं और आप अशोक के भी ले सकती हैं। तो यहाँ मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आपको आम के मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम के काफ़ी दिन तक सूखते नहीं हैं। तो आप इन दोनों में से कोई से भी ले लें, वो दोनों हम ले सकते हैं, इसमें कोई विचार नहीं होता, ले सकती हैं। नारियल ये वाला अगर आपके यहाँ लिया जाता है तो आप ये वाला ले सकती हैं। अगर आपके यहाँ जटा वाला लिया जाता है तो आप जटा वाला ले सकते हैं। हमारे यहाँ इस नारियल से पूजा होती है तो मैंने ये वाला लिया है। अब हमें दो चुन्नी लेनी है, एक माता रानी के लिए चुन्नी लेनी है और एक जब कलश की स्थापना करेंगे तो नारियल पर लपेटना होता है, कलावा से लपेट देती हैं। तो दो चुन्नी हमें लेनी है, एक माता रानी के लिए लेनी है और एक हमें नारियल पर लपेटने के लिए लेनी है। चुन्नी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ मैंने दो चुन्नी ली हैं, हल्की भारी छोटी बड़ी वो ले सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने सुपारी ली है 11। अगर नवग्रह की स्थापना करते हैं तो 9 हमें नवग्रह के लिए चाहिए, एक कलश स्थापना के लिए चाहिए, एक पूजा के लिए चाहिए। अगर आप यहाँ नवग्रह की स्थापना नहीं करते तो आप दो सुपारी ले सकते हैं। यहाँ मैंने माता रानी का भोग लगता है पान के पत्ते पर, तो यहाँ पान का पत्ता मैंने भोग के लिए लिया है। माता की पूजा में पान का पत्ता लिया जाता है, तो यहाँ मैंने दो पान के पत्ते लिए हैं। और यहाँ पर अखंड दीपक जलाने के लिए मैंने अखंड दीपक लिया है, और यहाँ पर मैंने बाती ली है कलावे की। अगर आप रुई की जलाती हैं तो रुई रख लें, और नहीं तो यहाँ कलावे की बाती आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, अब लगाते हैं पूजा का थाल। यहाँ ले लिया है हमने कपूर, और यहाँ ले ली है हमने भोग के लिए मिश्री। तो किसी के यहाँ मिश्री का भोग लगाते हैं, किसी के यहाँ बतासे का। तो यहाँ मैं आपको दोनों चीज़ें रख कर दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने दोनों ले ली हैं। इसके बाद देखिए, 9 दिन माता रानी को इलायची का भोग लगता है, तो यहाँ हम ले लेंगे इलायची। इसके बाद डेली एक दीपक जलता है, तो यहाँ ले लेंगे हम दीपक और कुछ बातियाँ। रोज़ाना हमें सुबह शाम एक दीपक जलाना होता है, तो ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे अब हम धूप बत्ती पूजा के लिए। और देखिए, यहाँ पर गणेश जी के लिए हम ले लेंगे जनेऊ। जनेऊ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पीला आता है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ ले लेंगे माता रानी के लिए इत्र लगाने के लिए। अब लेंगे टीका करने के लिए हम रोली। तो रोली आपको इस तरीके से भी मिल जाएगी और खुली हुई भी मिल जाएगी।
अब वस्त्र रूपी हमें कलावा अर्पित करना है डेली, तो हम वस्त्र रूपी कलावा भी ले लेंगे और कपड़े भी पहनाएंगे। टीके पे लगाने के लिए हमें थोड़े से चावल चाहिए और कलश स्थापना के लिए भी हमें थोड़े से चावल चाहिए। और यहाँ पर हमने ले लिए डेली लौंग चढ़ाने के लिए, तो हमें लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, तो हमें यहाँ पर लौंग ले ली है। यहाँ पर भोग के लिए पंचमेवा भी लेनी है, तो यहाँ पंचमेवा ले ली है हमने। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने पूरा थाल लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ रुई ले लेंगे, अगर रुई की बत्ती हमें अखंड जलानी है तो रुई की भी ले सकती हैं। अब यहाँ ले लिए हमने माचिस, और देखिए इसके बाद दक्षिणा आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। और इसके बाद हमें लेना है माता रानी के लिए सिंगार, तो इस तरीके से सिंगार पैक करा हुआ मिलता है, और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी ले सकती हैं। मैंने इस तरीके से पैक करा हुआ ले लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें लेना है कोई भी ऋतु फल, आप भोग के लिए ले सकती हैं, और आपके यहाँ देसी घी का दीपक जलता है तो देसी घी ले लीजिए। यहाँ मैंने तिल का तेल और देसी घी मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ। तो ये पूजा का थल लग चुका है हमारा। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ मैंने दो सेब ले ली हैं ऋतु फल। कलश की स्थापना करने के लिए गंगा जल ले लिया है, एक लोटा यहाँ पर मैंने जल ले लिया है। तो देखिए फल में आप कुछ भी ले सकती हैं। और इसके बाद ले लेंगे हम फूल। थोड़ी सी मैंने धूप घास ली है गणेश जी को चढ़ाने के लिए। आप धूप घास आपको कहीं भी मिल जाएगी, फूल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, माला भी आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। और 10 रुपये दक्षिणा के लिए ले सकती हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपको ठीक लगे उतने आप ले सकती हैं। तो देखिए कुछ लोगों के यहाँ देसी घी का दीपक जलता है, कुछ लोगों के यहाँ तिल के तेल का जलता है। आपके यहाँ दोनों में से जो भी जलता है आप ले सकती हैं। देखिए जो सुबह शाम हम दीपक जलाएंगे वो तो हमें देसी घी के ही चाहिए, क्योंकि देसी घी का ही दीपक जलता है पूजा में। और अखंड बाती जो होती है उसको हम तिल का भी जला सकते हैं और देसी घी का भी जला सकते हैं। तो देखिए ये पूरी वो टोटल सामग्री है जो हमें नवरात्रि पूजा के लिए चाहिए। तो देखिए मैंने आपको पूरी सामग्री स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताई है कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप ये सामान ले लें नवरात्रि का, तो पूजा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। नवरात्रि की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। जय माता दी, राधे राधे।